प्रोफेसर संगीत रागी, यहाँ पर वो जो सवालों की फहरिस्त सम्मान मोहन भागवत जी के सामने अरविंद केजरीवाल ने रखी है, क्या वो टीस, वो पीड़ा एक आम स्वयं सेवक की है जो संघ से जुड़ा हुआ है? ये कहीं ना कहीं दावा आम आदमी पार्टी तो कर रही है सर, आप बताइए देश को। देखिए, अरविंद केजरीवाल अनावश्यक तौर पर परम पूजनीय मोहन भागवत जी को इस कंट्रोवर्सी में घसीट रहे हैं। संघ प्रमुख या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमें कभी भी राजनीतिक मुद्दों पर इस ढंग से बातें नहीं करती है, और जो कुछ उनको कहना था उन्होंने कह दिया है इस मुद्दे पर। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी तो वही पार्टी है ना जो कहते थे कि हम संयोजक हमेशा बदलते रहेगा, परमानेंट संयोजक बन गए, आज खड़ाऊँ रख करके शासन चलवा रहे हैं, ये कौन सी राजनीतिक संस्कृति का जन्म है? और जैसा कि साजिया इल्मी जी ने कहा, हम उसे दोबारा रिपीट करके आपके दर्शकों का समय खराब नहीं है, राजनीतिक धूर्तता की ऐसी डिसीट उसको कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसी कौन सी परिभाषा है जिसमें अरविंद केजरीवाल फिट नहीं बैठते हैं? अरविंद केजरीवाल की राजनीति जो है वो यहाँ से शुरू होती थी कि दूसरों पर आरोपित कर दो सबको, भ्रष्ट बेईमान को, और सबको इस्तीफा मांग लो, लेकिन किसी के खिलाफ सबूत नहीं था, लेकिन उनको पैमाना था कि आप पर आरोप लगा दिया है तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए। अपने पर जब चार्जशीट हो गया तो कहा कि अरे नरेंद्र मोदी ने जेल भेजा है, नरेंद्र मोदी ने तो जेल भेजा नहीं, तो बेल तो कोर्ट ने आपसे आपको 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 बेल भी कोर्ट से मिला है और आपको जेल भी कोर्ट ने दिया था। हाई कोर्ट की जो टिप्पणी थी, जो जजमेंट का हिस्सा है, वो तो आपको इंडिक्ट करती थी एक ढंग से, आपके बेल पिटीशन ही आया था। तो राजनीति, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को समझना है तो ध्यान रखना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं देते हैं, अरविंद केजरीवाल सिर्फ सवाल पूछते हैं। जब पॉल्यूशन यहाँ होता है तो पहले पंजाब को कोसते हैं, जब पंजाब में सरकार आ जाती है तो हरियाणा के सरकार को कोसते हैं, ठीक है। पानी की किल्लत होती है तो कहते हैं कि अरे देखिए एमसीडी जो है वो बीजेपी के पास था, जब एमसीडी इनके पास हो जाता है तो कहते हैं कि नहीं हरियाणा वाले ने प्रॉब्लम कर रखा है, हिमाचल से प्रॉब्लम हो रहा है। मैं जवाब लेती हूं, दूसरों पर आरोप करने की, राजेश गुप्ता जी जवाब भी देना चाह रहे हैं, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी अपनी बारी पर जरा बात रखिएगा, क्योंकि मैं भी स्टूडियो में मौजूद नहीं हूं, ताकि दर्शक जो है वो हम सबकी बात आराम से समझ सके। राजेश जी आपके पास आ रही हूं, आप हाथ उठा रहे थे, जवाब देना चाह रहे थे, और इस सवाल के साथ कि सर ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि सियासत में सबके लिए सियासत के नियम आम आदमी पार्टी तय करेगी? मतलब जब आप लोग राजनीति में नहीं थे, आंदोलन करते थे, तब आप लोग अपनी जेब से लिस्टें निकाला करते थे, और जिस नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप आपके मन में आता था लगाकर उससे इस्तीफे की मांग कर लेते थे, और अब जब खुद पार्टी के नेताओं को सलाखों के पीछे जाना पड़ा तो फिर हमारे खिलाफ बदले की राजनीति हो रही है जी, अदालत में तो फैसला होने में जी 6, 8, 10, 12 साल लग जाएंगे, हम तो जनता की अदालत को मानेंगे, सर सारे नियम आप तो नहीं बनाएंगे ना? और दूसरा सवाल ये भी बता दीजिए जरा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्वयं सेवकों का सहारा चाहिए, इसी वजह से आरएसएस को ढाल बनाकर, आरएसएस की सहानुभूति हासिल करके चुनावी मैदान में उतरने की ये एक रणनीति आम आदमी पार्टी बना रही है? राजेश गुप्ता, देखिए रुमाना जी, मैं संगीत भाई का बड़ा सम्मान करता हूं, और संघ को पढ़ने समझने के लिए मुझे लगता है कि सबको जरूर समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की पार्टियां या हिंदुस्तान के संगठन कैसे काम करते हैं। मैं राजनीति का एक छात्र हूं, रंगमंच का रहा हूँ, थिएटर का रहा, तो मैंने उसको समझा है, और मुझे लगता है कि जो पीड़ा थी वो संगीत भाई के वाक्य में भी आपको दिख गई होगी, उन्होंने कहा हम इस पर कुछ कहना नहीं चाहते। मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि देखिए एक पार्टी क्या नियम बनाती है, हम अपनी पार्टी के नियम बनाते हैं, लेकिन बीजेपी के नियम आरएसएस बनाता है, इस बात को डिफरेंस को आप समझिए। बीजेपी एक बहुत छोटी सी पार्टी है और पार्टी विंग है, एक आम है आरएसएस की, जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो आरएसएस है, ठीक है। बीजेपी से पहले उसका नाम जनसंघ हो सकता है, उसका नाम तो उसके अंदर आप एक ऐसी स्वयंसेवक संघ जो अपनी इस तरीके का, हाँ वहां पे इस तरीके की चीजें हो रही हैं और पत्रभ्रष्ट एक पार्टी हो जाए तो ये तो ऑब्वियस है, और समय समय पर आदरणीय मोहन भागवत जी ने सवाल पूछे हैं, और अभी 2 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया था
और कई प्रचारकों ने टीवी पे, आपने भी वो दिखाया है, मैंने भी देखा है, न्यूज़पेपर में आया कि हमारे डिफरेंसेस हैं। दिक्कत तो ये है ना राजेश गुप्ता जी, दिक्कत तो ये है ना कि आप यहाँ पर एक बार फिर से वही जंतर मंतर पर जब आकर बैठे हैं, 4 अप्रैल 2011 मुझे आज तारीख बता रहे थे अरविंद केजरीवाल, उसके बाद आप फिर से वही सर्टिफिकेट देने वाली राजनीति पर उतर आए। आज आप फिर से जब जंतर मंतर पर पहुंचे तो आपने बीजेपी को पद भ्रष्ट ये सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। लेकिन यही तो शाजिया इल्मी और बीजेपी कह रही है ना कि साहब पद भ्रष्ट ये क्यों ना कहा जाए कि आम आदमी पार्टी हो गई है। और वो सियासत के नियम जो आप दूसरों के लिए बनाते थे, अब जब अपने पर आई तो आपने नियम ही बदल दिए। शाजिया इल्मी को आने दीजिए सर, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। शाजिया जी आइए प्लीज। देखिए यही सारी बातें वो कांग्रेस के बारे में करते थे, फर्क इतना ही है। 2011 में जब मैं मौजूद थी, जिस तारीख का ये जिक्र कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग, बहुत सारे लोग अपना कामकाज छोड़कर, अपने करियर्स को छोड़कर बाकायदा इनके साथ खड़े थे। और यही बातें वो यूपीए 2 के भ्रष्टाचार के बारे में करते थे और कहते थे इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, शीला दीक्षित यहाँ हैं, मनमोहन सिंह वहाँ हैं, और लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते थे, अखिलेश यादव का जिक्र करते थे, फारूक अब्दुल्ला का जिक्र करते थे, सबका ही जिक्र करते थे भाई साहब। अब उन सबको भूलकर और कांग्रेस के भ्रष्टाचार को भूलकर, जिसके चलते आंदोलन को कितना मोमेंटम मिला, और ना सिर्फ ये, अन्ना का निरादर कर अन्ना के पीठ में छुरा भोंककर इन्होंने जिस तरह से आंदोलन को आम आदमी पार्टी बनाया, बावजूद इससे कि अन्ना के सामने कसम खाते थे कि ऐसा नहीं करेंगे, तो अब ये जवाब, ये सवालों के जवाब तो वो खुद देंगे। इन्होंने सबके सामने एक बार नहीं हजार बार कहा होगा, रवाना जी आपने भी कवर किया है, आपने सुना होगा, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं कोई बंगला नहीं लूंगा। 50 करोड़ रुपए झाड़ फानूस जकूजी और पर्दों के लिए वो शख्स कोविड के वक्त पर टैक्स पेयर के पैसे से, आप देखिए, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे पानी का घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो, हर जगह इन्होंने देखा कितना करप्शन किया है। और इनके मंत्री सत्येंद्र जैन अभी तक जेल से निकले नहीं, इतना वक्त हो गया है। और एक एक करके जो शराब घोटाला है, मैं फिर से डिटेल दे दूं आपको, ये बचने वाले नहीं है। इन्होंने बाकायदा प्राइवेटाइज किया है, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ होते हैं, शराब के ठेकों को प्राइवेटाइज किया है, साउथ लॉबी को लेकर आए हैं, होलसेलर्स के लिए उन्होंने पूरा बनाए हैं, रिटेलर्स के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।